लड़की और उसका सरप पति। एक समय किसी गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह बहुत दुखी थे। प्रतिदिन वे भगवान से संतान के लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन उनकी प्रार्थना सुन ली गई। ब्राह्मण संपत्ति को एक शिशु का आशीर्वाद मिला। समय आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, किंतु वह जन्म लेते ही एक सांप में बदल गया। ब्राह्मण बहुत निराश हुआ, लेकिन उसकी पत्नी ने सरप को अपने बेटे के की तरह पालने का निश्चय किया। समय गुजरता गया और सरप भी बड़ा होने लगा। एक बार ब्राह्मण के पड़ोस में एक विवाह हो रहा था। यह देखकर ब्राह्मण की पत्नी भी अपने बेटे के विवाह की कल्पना करने लगी, लेकिन वह बेटे के विवाह के बारे में सोचकर दुखी हो गई। भला कौन लड़की एक सरप से विवाह करना चाहेगी? उसने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन ब्राह्मण जब अपने काम से वापस लौटा तो अपनी पत्नी को रोता हुआ देखकर बोला, प्रिय क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? किसने तुम्हें इतना दुखी कर दिया? उसने उत्तर दिया, तुमने कभी हमारे बेटे के बारे में सोचा है? मैं जानती हूँ कि तुम उसे प्यार नहीं करते हो। तुम उसके पिता हो, तुम्हें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें उसके लिए लड़की की तलाश करनी चाहिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण चकित रह गया। वह बोला, तुम जानती हो कि हमारा बेटा एक सरप है? भला कौन लड़की किसी सरप से विवाह करना चाहेगी? ब्राह्मण की पत्नी ने धैर्य नहीं छोड़ा और एक दिन अपने पति को अपने बेटे के लिए लड़की खोजने को राजी कर लिया। ब्राह्मण बाहर निकल पड़ा। उसने कई गांव, नगर और कई कस्बे ढूंढ लिए, लेकिन उसको अपने बेटे के उपायुक्त कोई लड़की नहीं मिली। अंत में ब्राह्मण एक नगर में अपने एक पुराने मित्र के निकट पहुंचा। उसके मित्र ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने उसे अपनी परेशानी का कारण बताया। उसके मित्र ने तुरंत ही जवाब दिया, बस यही एक समस्या है। ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे बेटे के विवाह के लिए अपनी पुत्री देता हूँ। ब्राह्मण बोला, तुम इस तरह झटपट विवाह के लिए सहमत मत हो जाओ, कम से कम एक बार उसे देख तो लो। ब्राह्मण के मित्र ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुराने मित्र हो और मैं तुम्हारे परिवार से भी भली भांति परिचित हूँ। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मुझे विश्वास है कि तुम्हारा पुत्र मेरी पुत्री को सदैव प्रसन्न रखेगा। इस प्रकार ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक शुभ समाचार लेकर अपने घर वापस लौटा। उसकी पत्नी यह जानकर बहुत प्रसन्न हुई कि उसके बेटे के विवाह के लिए लड़की मिल गई है। फिर भी गांव वालों और लड़की की सहेलियों ने उसे एक सरप से विवाह करने के निर्णय का दोबारा सोचने की सलाह दी, लेकिन लड़की ने सरप से विवाह करने का निर्णय कर लिया था। वह अपने पिता के निर्णय का अपमान नहीं करना चाहती थी। शीघ्र ही लड़की का विवाह ब्राह्मण के पुत्र से हो गया। वह एक अच्छी पत्नी की तरह है उसका देखभाल करने लगी। एक रात्रि जब सरफ की पत्नी सोने जा रही थी कि उसने एक जवान सुंदर पुरुष अपने कमरे में देखा। उसे देखकर वह भयभीत हो उठी। तब उस नौजवान ने उसे शांत रहने को कहा और बोला, मुझे नहीं पहचानती हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। इधर देखो, यह मेरे सरफ की खाल है, उसने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा। लड़की ने यह राज अपनी सास व ससुर से छिपा लिया। अब प्रत्येक रात्रि ब्राह्मण का बेटा अपने सरफ के शरीर से बाहर निकलता और पुरुष में बदल जाता तथा सुबह को वापस सरफ के वेश में लौट जाता। यही क्रम कुछ समय तक चलता रहा। एक रात्रि ब्राह्मण को अपने बेटे के कक्ष में कुछ आवाज़ सुनाई दी। तब उसने दरवाजे की दरार के कक्ष में झांक कर देखा। उसने देखा कि उसका बेटा सरफ के शरीर से निकल कर एक पुरुष बन गया है। वह तुरंत ही कक्ष में घुसा और सांप के कैंचलू को आग में फेंक दिया। अपने पिता को ऐसा करते देख वह युवक मुस्कराया और बोला, धन्यवाद पिताजी, मैं सांप ग्रस्त था। यदि कोई मेरे सांप की खाल को मेरे बिना बताए ही नष्ट कर देता तो मैं सांप मुक्त हो जाता। अब आपने ऐसा कर दिया है और मैं
साप मुक्त हो गया हूँ। इसके पश्चात ब्राह्मण परिवार के सभी प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। शिक्षा, जब कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाता है तो उसे उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। धन्यवाद।